خير في الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. عزیزان حسینی، یہ حسینیت کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. ہمارا موضوع گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا: حقیقت اور حسین. یہ عنوان فلسفیانہ اعتبار سے بھی اہم ہے اور عرفانی اعتبار سے بھی، کلامی اعتبار سے بھی اہم ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی. لفظ حقیقت کا تعلق براہ راست حق سے ہے. جو لوگ لفظوں کے شجروں پہ غور کرتے ہیں، لفظوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں اور اس میں بھی کچھ اصیل شجرے ہوتے ہیں، کچھ دخیل ہوتے ہیں. جو لوگ لسانیات کا اور علم لغت کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر زبان میں یہ ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ کچھ الفاظ کے اصیل اور عزیز اور شریف اور کریم شجرے ہوتے ہیں اور کچھ دخیل الفاظ ہوتے ہیں. لفظ حقیقت اصیل شجرے سے ہے اور اس کا تعلق حق سے ہے. ہے قاف قاف یہ روٹ ورڈ ہے، مادہ یہ ہے. اسے جب فعیل بنا تو حقیق بنا، حقیق سے حقیقہ بنا، پھر یہ ایک فلسفیانہ اصطلاح ہو گئی. بنیادی طور پر فلسفیانہ اصطلاح کی حیثیت سے حقیقت کہتے ہیں اسے جو کسی ذات کے ساتھ اس طرح ثابت ہو کہ کبھی بدلی نہ جا سکے. نہ بدلے نہ بدلی جا سکے. حقیقت نہ بدلتی ہے نہ بدلی جا سکتی ہے.
इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि हकीकते अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी और शब्बीरी। यहां भी लफ्ज़ हकीकत का इस्तेमाल वाकयान बरबिनाए हकीकत हुआ है, हरचंद के इस्तेमाल में, इस्तेमाल ज़बान में, इस्तेमाल अल्फाज में, इस्तेमाल कलिमात में बाब वसी हो जाता है, क्योंकि इस्तेमाल मुमकिन है कि लफ्ज़ हकीकत के तौर पे इस्तेमाल हुआ हो और मुमकिन है कि लफ्ज़ मजाज के तौर पे इस्तेमाल हुआ हो। मजाज यानी मेटाफोरिकल यूज़ या शायराना इस्तेमाल, मजाजी इस्तेमाल, फिगुरेटिव इस्तेमाल। तो हकीकत का लफ्ज मजाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इस उन्वान में जब मैं कह रहा हूँ हकीकत और हुसैन, तो मुराद सबसे पहले यही है कि इस पूरी कायनात में, इस कायनात में जो सबसे अजीम हकीकत है, अगर उसे आम इंसान दर्क करना चाहे, दरियाफ्त करना चाहे, उस तक पहुंचना चाहे, तो उसके लिए मुअस्सर तरीन वसीला हुसैन इब्ने अली का। कर दूं कि ये कोई खतीबाना मुबालिगा नहीं है, ये कोई शायराना मुबालिगा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने अर्ज किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जिस कदर आप डूबते चले जाएंगे हकीकत का सच्चा ज़ौक पैदा हो जाएगा, उतना ही हुसैन समझ में आते चले जाएंगे। मैं जो बार बार अर्ज कर रहा हूँ, इससे पहले भी अर्ज किया है और गुज़िश्ता चार तकरीरों में भी अर्ज किया है मैंने, कि 1400 बरस हो गए मिल्लत इस्लामिया, अगर बहुत से मसाइल में हैरानियों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, अगर उसे सही और सीधी और सच्ची राह पर आगे बढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है, अगर वो दुनिया के दिलों को तस्खीर नहीं कर पा रही है, तो उसका एक बड़ा सबब यह है कि इस मिल्लत को न गदीर की विलायत समझ में आई, न करबला की शहादत। ये बड़ा अलमिया है इस मिल्लत का, ये इस मिल्लत का बड़ा अलमिया है, और मैं तैयार हूँ जिसका जी चाहे मुझसे मुनाजरा कर ले, और जिसका जी चाहे, जहाँ जी चाहे मुझसे मुबाहला कर ले। ये दो बहुत असासी बुनियादी वजहें हैं जो आज पूरी दुनिया में, इस्लाम आज भी अजीज और पसंदीदा है लेकिन मुसलमान ना पसंदीदा है। मुसलमान ना पसंदीदा है मगर इस्लाम आज भी लोगों को अजीज है। ये मुसलमान क्यों ना पसंदीदा है? इस्लाम पर दरवाजे नहीं बंद हैं, मुसलमान के लिए दरवाजे बंद हैं। ये आज की रियलिटी है, ट्रुथ कुछ और है।
आज की रियलिटी यह है कि मुसलमान ना पसंदीदा है, पसंदीदा नहीं है। क्यों? अब बस सादा सा जवाब है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आज भी आपको दुनिया में मुख्तलिफ मेंबरों पर, हालांकि उन मेंबरों को मेंबर कहना नहीं चाहिए, मुख्तलिफ स्टेजेस पर अगर यजीद की वकालत हो, उसका दिफा किया जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि यजीद को बदनाम किया गया, हकीकत ये नहीं थी वो थी, अगर आज भी ये सिलसिला जारी हो तो एक जुमला याद रखिए, खुदा के नापसंदीदा को पसंदीदा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप भी नापसंदीदा ही हो जाएंगे। आज एक अजीब और गरीब दर्द पैदा हो गया, इंशाल्लाह आप हजरात की सलावात से सहारा मिल जाएगा। तो कही जाती हैं, इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन में, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें डायरेक्ट कहनी पड़ती हैं। तो ये बात बहुत सराहत के साथ, बहुत वजाहत के साथ और किसी मुनाजराना जज्बे से नहीं बल्कि हमदर्दी के साथ, दिल सोजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान हो तो यजीद को डिफेंड करके इस्लाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। यजीद की वकालत करके हक की कोई खिदमत नहीं कर सकते। यजीद के गुनाहों पर पर्दा डाल के तौहीद और इस्लाम की कोई खिदमत मुमकिन नहीं है। हकीकत हुसैन के साथ थी, हुसैन के साथ है और हुसैन के साथ रहेगी, और हुसैन हक के साथ थे, हक के साथ हैं और हक के साथ रहेंगे। अब ये बातें तो बराह रास्त अर्ज कर दी मैंने, लेकिन अपने उसलूब में अगर उस सिलसिले फिक्र को आगे बढ़ाऊं, तसलसले फिक्र को आगे बढ़ाऊं कि मैंने कुछ बातें छेड़ी थी, याद दिलाई थी या जिक्र की थी कि हकीकत तक पहुंचने के लिए या किसी भी शय तक पहुंचने के लिए जो वासिता है वो क्या है? इल्म। और इल्म क्या है, यही बड़ा मसला है। और इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था कि जब इंसानी जहन काम करता है, जब ह्यूमन माइंड काम करता है, तो इस पूरी कायनात पर जब नज़र डालता है तो
अरिस्टोटल के नुक्ते नज़र से वो हर चीज़ को 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देता है। इसमें भी सबसे पहली मंजिल में तो दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक ये कि कायनात में पाई जाने वाली चीज़ें जो नज़र आती हैं हमें, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़ुद कायम रहती हैं, वो अपने होने के लिए किसी दूसरे के सहारे की मोहताज नहीं होती। कायम बिज़ात, अपनी बीइंग के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो किसी दूसरे सहारे की मोहताज नहीं होती, उसे सब्सटेंस कहते हैं, उसे कहते हैं जौहर। अरबी में कहते हैं जौहर, अंग्रेज़ी में कहते हैं सब्सटेंस। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कायम रहने के लिए किसी दूसरी चीज़ की मोहताज होती हैं, होती हैं वो भी, उन्हें भी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा हासिल है, एक हज हासिल है वजूद का, बीइंग में शुमार होती हैं, हैं वो, लेकिन वो अपने होने के लिए किसी दूसरे की मोहताज होती हैं। फिलॉसफी की ज़बान में उसे एक्सीडेंट कहते हैं। अब आपका जहन उधर न चला जाए जो सड़कों पे एक्सीडेंट हुआ करता है। ये फिलॉसफिकल टर्मिनोलॉजी है कि कुछ चीज़ें हैं सब्सटेंस और कुछ चीज़ें हैं एक्सीडेंट्स। ये एक्सीडेंट्स की 9 किस्में हैं, तो 9 ये और एक सब्सटेंस मिला के कितनी हुई? 10। इस तरह ये 10 कैटेगरीज वजूद में आई। अच्छा, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि ये 10 की 11 भी हो सकती हैं या नहीं, 10 की 9 भी हो सकती हैं या नहीं, ये सब पर काम करने की ज़रूरत है और काम हुआ है, उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये क्लास फिलॉसफी की तो है नहीं, ये तो हम इस मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारी आपकी फ़िक्र बेदार हो जाए और हम हकीकत और इल्म और हुसैन के रिश्ते को समझ सकें। और हम दूसरों को समझा भी सकें। तो ये जो 10 कैटेगरीज हैं, इसमें एक तो है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? जौहर क्या है? जो खुद कायम बिज़ात है, जो अपने कायम होने के लिए, अपनी अपने वजूद के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बीइंग के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी गैर का मोहताज नहीं है। अब ये जब मैंने एक जुमला कहा तो एक अलल इतलाक बात समझ में आएगी, एब्सोल्यूट बात समझ में आएगी, लेकिन एब्सोल्यूट है नहीं यहाँ पहली मंजिल में। लेकिन मिसाल देने के लिए, पहले ज़मीन से गुफ्तगू शुरू हो तब ना आसमान तक पहुँचेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़ुद कायम हैं, उन्हें कहते हैं जौहर, सब्सटेंस। कुछ चीज़ें हैं जो ख़ुद कायम नहीं रह सकती, दूसरे के सहारे से नमूदार हो सकती हैं, दूसरे के सहारे से कायम हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं एक्सीडेंट्स। और ये जो एक्सीडेंट्स हैं, इसकी मिसाल मसलन दीवार है, पत्थर पे पत्थर रखते चले जाइए, ईंट पे ईंट रखते चले जाइए, ब्लॉक पे ब्लॉक रखते चले जाइए, दीवार खड़ी हो जाएगी। दीवार किसी दूसरे की मोहताज नहीं है, मगर जो दीवार के ऊपर रंग है ये भी है या नहीं है? दीवार भी है, दीवार पर रंग भी है, मगर दीवार खड़ी होने के लिए किसी दूसरे की मोहताज नहीं है, रंग दीवार का मोहताज है। सफ़ेदी, सुर्खी, जितने भी रंग हैं अब कलर्स मोहताज हैं। अगरचे ये खुद कायम नहीं रह सकते, अब आपकी शायराना हिस भी बेदार करता चलूं, अगरचे ये कायम नहीं रह सकते खुद रंग, मगर दुनिया से रंग हटा दीजिए तो क्या बेरंग जिंदगी हो जाएगी? क्या बेरौनक जिंदगी हो जाएगी?
ज़मीन के सब्ज़ादारों से लेकर और अफलाक पर आसमानों पर फैले हुए शफक तक, आफाक में जो शफक फूलती है उस तक रंग ही रंग है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें, अब एक मिसाल काफ़ी है वरना पूरी क्लास इसी अरज़ और जौहर की बहस में सर्फ हो जाएगी। मिसाल के साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि अब ये जो एक्सीडेंट्स हैं अरज़ जो नौ हैं, इनमें एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, कमियत, कैफियत कम कैफ, एक है एक्शन, एक है पैशन। ये सब एक्सीडेंट्स हैं, ये सब आराज हैं जो आप फ़ेल अंजाम देते हैं। ये फ़ेल ये वजूद का एक हिस्सा है, मगर कौन सा वजूद है? अरज़ है। ये मौजूद है, इसे एक हज हासिल है, बीइंग में शुमार होता है, लेकिन कौन सा? अरज़ है। अच्छा, फ़ेल जब वजूद में आता है तो कभी फ़ेल अंजाम देते हैं आप, और कभी किसी फ़ेल का असर कबूल करते हैं आप। तो फ़ेल और उसके मुकाबले में क्या है? इन्फ़िआल। जब आप फ़ेल करते हैं तो वह एक्शन, और जब कबूल करते हैं तो वह है पैशन। इसी तरह व्हेन और वेयर, वक्त और मकान, जमान, वज़, ये तमाम आराज हैं। जितनी चीज़ें कायनात में नज़र आती हैं ये सब 10 कैटेगरीज में आ जाती हैं, और इससे सहूलत पैदा हो जाती है चीज़ों को समझने समझाने की। ये बहस छेड़ी क्यों है मैंने? किसी एक चीज़ को समझने के लिए भी, अभी मैंने कहा दीवार खड़ी होने के लिए किसी की मोहताज नहीं है, और दीवार के नीचे से ज़मीन ना हो तो ज़मीन ही ना हो तो फिर, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट तसव्वुर ना कर लीजिएगा। ये सब रिलेटिव है, निस्बी है। दीवार खड़ी होने के लिए उसके नीचे ज़मीन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके सिलसिला ठहर जाता है। कहीं ना कहीं एक जौहर है जो कायम बिज़ात है, कहीं ना कहीं एक जौहर है जो कायम बिज़ात है, जो अपने होने के लिए किसी दूसरे का मोहताज नहीं है, और बाकी चीज़ें उसकी मोहताज हैं। अब एक सफ़र शुरू किया जाए, सफ़र ये शुरू किया जाए, ढूंढा जाए कौन सी चीज़ मोहताज है, कौन सी चीज़ मोहताज नहीं है। बस एक सफ़र है। रिचर्ड डॉकिंस को भी साथ में ले लीजिए, स्टीफन हॉकिंग को भी साथ में ले लीजिए, अरस्तू और अफलातून और सुकरात को भी साथ ले लीजिए, और जो मैंने कहा रिचर्ड डॉकिंस और कार्ल सागन और स्टीफन हॉकिंग, इन लोगों को भी साथ ले लीजिए, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को भी साथ ले लीजिए, मुल्ला सदरा को भी साथ ले लीजिए, इब्न सीना को भी साथ ले लीजिए, छोड़ दीजिए मौलवियों को, फुकहा को छोड़ दीजिए, ये जो सब इस कायनात के बारे में सोचते रहते हैं इन सब को साथ लेके निकलिए, और ये तय कीजिए कि आपने जो कहा है कुछ चीज़ें हैं जो कायम बिज़ात हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो अपने कायम रहने के लिए अपने वजूद के लिए किसी की मोहताज नहीं हैं, और बाकी चीज़ें वो हैं जो मोहताज हैं। तो अब एक एक चीज़ पर गौर करते हुए आगे बढ़ें, जमादात से लेकर नबातात तक, नबातात से लेकर हैवानात तक, हैवानात से लेकर इंसान तक, इंसान से लेकर मलाइका तक, फरिश्तों तक, जिन जिन चीज़ों को के आप कायल हों, जो जो चीज़ें आपको मिलती चली जाएं, हकीकत की जस्तजू है ना, और उसके बाद ये पहले तय कर लीजिए कि वो कौन सी शय है जो अपने कायम रहने के लिए किसी की मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
बस मेरी एक ही दरख्वास्त है और वो दरख्वास्त ये है कि जो कुछ भी हो हमें उस शय तक पहुंचाइए जो अपने होने के लिए किसी गैर की मोहताज ना हो। इसलिए कि जो भी मिसाल आप देंगे, मैं उसके, आपने दीवार की मिसाल दी, मैंने जमीन का मोहताज बताया, आप जमीन की मिसाल देंगे, मैं पूरे निजाम शमसी को लाकर सामने रखूंगा, अगर ये पूरा निजाम शमसी ना हो तो जमीन का वजूद बरकरार नहीं रह सकता। अगर ये निजाम शमसी के कवानीन मौजूद ना हो तो फिर कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। यानी हर चीज किसी दूसरे की मोहताज नजर आ रही है। हमें उस मरकज तक पहुंचाइए जो खुद हो और किसी का मोहताज ना हो। ईमानदारी से सफर कीजिए, फिक्री सफर, इल्मी सफर, साइंसी सफर, फलसफियाना सफर, वजूदी सफर, साहते वजूद में सफर कीजिए, अरसाए वजूद में सफर कीजिए, सरात मुस्तकीम वजूद को तय करने की कोशिश कीजिए और बताइए वो कौन सा मौजूद है जो अपने वजूद के लिए अपने अलावा किसी गैर का मोहताज नहीं है। इस सफर को तय करने के लिए ही आपको तजरीद का सफर तय करना पड़ेगा, आपको मैटर से एब्स्ट्रैक्ट तक का सफर तय करना पड़ेगा। है ना पेचीदा बहस, पेचीदा भी है लेकिन दिलचस्प भी है और जरूरी भी है। इतना जौक आप सब में होना चाहिए। एक जुमला जो मुझे बहुत बाद में कहना है अभी कह दूं, आ गया जबान पर, क्योंकि ये बीच में चंद मशहूर किस्म के मुलहिदों का नाम आ गया था। मुलहिद हैं वो, अपने को खुद मुलहिद कहते हैं, तो ये कोई उनके लिए खुदा ना खास्ता दुश्नाम नहीं है। मैं मुलहिद कह के उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, अगर खुद से कोई अपनी तौहीन कर रही है तो वो एक अलग बात है। वो खुद कहते हैं हम खुदा के कायल नहीं हैं। तो एक जुमला यहीं पे जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प जुमला स्टीफन हॉकिंग के कलम से लिखवाया गया, क्योंकि शुरू से तो वो खुदा के कायल थे, बाद में धीरे धीरे उनको खुदा से दूर ले जाया गया और फिर ये जुमला लिखवाया गया कि हमने कायनात में सब कुछ देख लिया, दूर तक देख लिया, बड़ी मुअसर टेलीस्कोप्स लगा के देख लिया, हमें कहीं जन्नत और दोजख नज़र नहीं, न जन्नत नज़र आई न दोजख नज़र आई। तो गालिबन जन्नत और दोजख नहीं है, गालिबन खुदा नहीं है। इसलिए आप आज़ादी से खुश ज़ौकी के साथ अपने हसब मंशा जैसी ज़िंदगी चाहे बसर करें। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बहस को समेट कर यहाँ पर जवानों के लिए हदिया है, तोहफा है ये जुमला, इसे खतीबाना जुमला ना समझिएगा भाई। आपको किसी ने अपने घर में अगर बुलाया है तो आप वही चीज़ें देख सकते हैं जिसे साहिब खाना दिखाए। जिस चीज़ पर खुद साहिब खाना ने पर्दा डाल रखा हो आप देख कैसे सकते हैं। जो चीज रखी गई हो पोशीदा, साहिब खाना ने जिस चीज को खुद पोशीदा कर दिया हो आप उसे देख कैसे सकते हैं, मुमकिन कैसे? और फिर हिजाबात की किस्में,
जुल्मानी हिजाबात, नूरानी हिजाबात, अर्ज करूं यही रोशनी जो चीजों को दिखाती है, यही रोशनी खुद हिजाब भी बन जाती है। ये बात समझाने के लिए तो कोई बड़ी कद्दो काविश नहीं करनी पड़ेगी मुझे। ये जो बच्चे आजकल के टेक्नीशियंस हैं, ये जो फोटोग्राफी करते हैं और फोटोशॉप में तस्वीरें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं और जो चाहे बना लेते हैं, रोशनी से कैसे कैसे हिजाब पैदा कर लेते हैं। यानी हिजाब पैदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हिमालय पहाड़ खड़ा किया जाए दरमियान में। ये जो आप कह रहे हैं हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको जमीन नजर नहीं आ रही है, पहाड़ नजर नहीं आ रहा है, पत्थर का कोई पर्दा नजर नहीं आ रहा है, आपको दीवारें चीन जैसी कोई दीवार नजर नहीं आ रही है, लेकिन उस नूरुल अनवार ने खुद अपनी शुआओं से जहां जहां पर्दे डाल रखे हैं, मुमकिन कैसे है कि आप उन हिजाबात नूर को चाक करते हुए आगे बढ़ जाए। ये हिजाबात की बहस भी बहुत अहम बहस है। बस दुआ कीजिए कि मेरी सेहत साथ दे जाए। एक सलावत पढ़ लिया मैंने। सलावत पढ़ते हुए जरा और सिमटते आइए, मिंबर के करीब आ जाइए। अपनी जगह है, लेकिन आका हुसैन की मोहब्बत दवा बन रही है। बस एक सलावत और पढ़ें आप। अब ये सब मैं इशारात देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, इशारे करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ कि हकीकत रसी लाजमी है ज़हन बशरी के लिए। कोई जहन ऐसा नहीं है इंसानी जिसमें हकीकत की जस्तजू न हो, हकीकत की तड़प न हो, हकीकत तक पहुंचने की ललक न हो। और उस वक्त तक वजूद इंसानी अपने कमाल तक नहीं पहुंच सकता जब तक हकीकत तक पहुंच ना जाए। हर चीज़ का, ये खुद एक बहस है मुस्तकिल, हर शय का एक मुअय्यन दरजाए कमाल है, नुक्ताए कमाल है। जब तक वो शय वहाँ तक पहुँच ना जाए, कामिल नहीं होती, नाकिस रह जाती है, और जो चीज़ नाकिस रह जाती है वो समझिए ज़ाया हो जाती है। अब इस नुक्ते को भी समझ, अब कई बहसें हो गई, ये चंद लम्हों में कई बहसें गुजारिश कर दी मैंने। अब इसकी भी मिसाल ले लीजिए बच्चों को समझाने के लिए बात कहूँ। बड़े तो खैर खुद ही समझे हुए हैं इंशाल्लाह। अब जैसे कोई पत्थर है ना तराशीदा, इसमें बहुत कुछ बनने की सलाहियत है। ना तराशीदा पत्थर, जिस पत्थर को तराशा खराशा नहीं गया है, वो पत्थर बहुत कुछ बन सकता है। एक खूबसूरत खिलौना बन सकता है, एक खूबसूरत सनम बन सकता है। घर की आराइश का सामान बन सकता है, किले और महल की आराइश का सामान बन सकता है। खुद इस पत्थर को तराश कर खूबसूरत ईंटें बन सकती हैं और उम्दा उससे महल तामीर हो सकता है। पत्थर तराश के तख्त बन सकता है। जो पुराने बादशाह हैं, बहुत से बादशाह ऐसे हैं कि उनके तख्त जो हैं वो पत्थर के थे। वो चाहे संगे मरमर के हों, संगे सफ़ीद के हों, संगे सियाह के हों, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर से बने हुए तख्त थे। और बाज़ तख्त ऐसे थे
کہ کئی منزلہ پورا وہ چھوٹا سا محل ہوتا تھا اسے تخت کہتے تھے خاص طور سے ایران کے ایک بادشاہ نے تاقدیس نام کا ایک اپنا ایسا بنایا تھا تخت کہ وہ تخت کاہے کو تھا پورا ایک محل تھا تو بہرحال پتھر جب تک تراشا نہ جائے اپنے کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور پتھر کی قسمیں ہیں یہ پتھر پیدا ہی فطرت نے آغوش فطرت میں پتھر اس لیے دست قدرت نے پیدا کیا ہے کہ اس سے آپ مختلف ضرورتیں پوری کریں جب یہ پتھر کاٹا جائے گا تراشا جائے گا اور اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا تو اس کا سفر کمال مکمل ہو جائے گا یعنی کسی چیز کا اپنے کمال کے درجے پر پہنچ جانا یہی سفر ہے اس کا نباتات کی مثال لے لیجئے پھول کھلتے ہیں یہ پھول واقعاً کسی کے تاج سر کی زینت بن جائیں یا کسی محبوب و معشوق کے گلو کی زینت بن جائیں ہار بن جائیں یا اس پھول میں سے عطر کشید کر کے خوشبو بکھیرنے کے لیے استعمال کر لیا جائے یہ پھول کے وجود کا سفر کمال ہے واضح ہے درخت لگا دیا آپ نے ابھی بیج ہے بیج زمین میں زمین کی گود میں آپ نے بیج ڈال دیا اب یہ بیج درخت بنے گا پھر اس میں کلیاں آئیں گی پھول کھلیں گے پھر پھل آئے گا جب پھل رسیدہ ہو جائے اور یہ پھل آپ کی ضیافت کے لائق ہو جائے تو پھر اس بیج کا سفر کمال پورا ہوگا ہے نا یہ سب حقیقی بات ہے یہی ہے اس کا سفر کمال تو پتھر کا سفر کمال یہ ہے کہ تراش خراش کے اس کو اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں کے لیے وہ بنا ہے جو اس کے امکانات ہیں روشن ہو جائیں جو امکانات پوشیدہ ہیں وہ فعلیت میں بدل جائیں جو بیج ہے وہ درخت بن کے خود پھل دینے لگے تو ہر چیز کا ایک سفر کمال ہے انسان کا سفر کمال کیا ہے کیا یہ مسئلہ غور طلب نہیں ہے انسان کا سفر کمال کیا ہے کیا انسان کا سفر کمال یہ ہے عزیزو کہ پتھر کو تراش کے بت بناؤ اور پھر خود اس بت کے آگے سجدہ کرو اگر یہی سفر کمال ہے تو بتاؤ زوال کس کا نام ہے خود ہی پتھر تراش کر صنم بنایا اور خود ہی پرستش کی اس کے آگے جھک گئے یہ کمال ہے یا زوال بھئی انسانی کمال تو یہ ہے کہ پتھر جو بے جان ہے جو چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا تم اس کے آگے سر نہ جھکاؤ پہلا کمال تمہارا یہ ہے کہ اسے جیسے چاہو تراشو وہ ممانعت نہ کر سکے تم جیسا چاہو بناؤ اور اگر مزید کمال دکھا سکو تو تمہارا کمال یہ ہے کہ تم جو چاہو وہ بولنے لگے یعنی پتھر ہاتھ پر لے لو اور اسے کہو گواہی تو دو اور وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب جاتے ہیں درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں درخت کے پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں درخت کا پھل دینا یہ درخت کا کمال ہے درخت کا سایہ دار ہونا یہ درخت کا کمال ہے
मगर ए बशर ए इंसान तेरा ये कमाल थोड़ी है कि सिर्फ फल लेकर खा ले या उसके साय में आराम कर ले। तेरा कमाल तो तब जाहिर होगा कि तू दरख्त को इशारा करे और फिर ये दरख्त अपनी जड़ों समेत अपनी जड़ों के साथ जमीन से उखड़ कर और इस तरह चलता हुआ आए जैसे कोई होशमंद चलता है और अपने अपने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है और उसके बाद तेरे हुक्म का मुंतजर रहे। ये नहीं कि खुद सरनिगुं हो जाए या पलट जाए, हुक्म का मुंतजर रहे। कहने वाला कहे दरख्त को खिताब करके कि इज़्ने खुदा से मैं हुक्म दे रहा हूं, मेरे करीब आ जा, और वो करीब आए, गवाही दे, और फिर जब कहे वापस जा अपनी जगह उसी तरह जैसे पहले था उसी तरह कायम हो जा, और वो कायम हो जाए। अब ये दरख्त का कमाल नहीं है, बशर का कमाल है। बशर का कमाल है। बशर का कमाल ये नहीं है कि चांद की रोशनी में अपनी रातें रंगीन बना ले। बशर का कमाल ये चांद का सूरज से कस्बे जिया करके जमीन तक पहुंचाना, चांद का कमाल। लेकिन ये बशर का कमाल है कि जब चाहे चांद को इशारा करे और वो दो टुकड़े हो जाए, फिर इशारा करे और वो एक हो जाए। सूरज का कमाल है रोशनी देना, सूरज का कमाल है बनाए हुए अल्लाह के बनाए हुए फितरी कवानीन के मुताबिक गर्दिश करना, मगर ये बशर का कमाल है कि वो डूबे हुए सूरज को चाहे तो पलटा दे। सब बशर के कमालात हैं। किसने बशर के इन कमालात से बशर को आशना किया? किसने किसने आशना किया? खुदा की कसम तारीख गवाह है कि वो फर्द फरीद, वो नूरानी बशर, वो आदम नूरी, आदम खाकी नहीं, वो आदम नूरी कोई और नहीं था, वही था जिसकी जबान से दुनिया वालों ने ये सुना। जब पूछा, जब उससे पूछा, खुद क्या करते थे? बुत बनाकर उसके सामने सजदा करते थे। जब ये कहता था इन्हें सजदा ना करो, ये खुदा नहीं है, ये तुम्हारे माबूद नहीं है, ये तुम्हारे राजिक नहीं है, ये तुम्हारे खालिक नहीं है, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें किसी नुकसान से बचा नहीं सकते। और वो भी कोई किस किस्म के, कल और परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका कि कोई खुदा ऐसा नहीं था जिसके साथ खानदान ना हो, कुनबा ना हो। तो वो जहनों में बैठी हुई थी ये बातें, रासिख थी जहनों में, और किसी ना किसी चीज का, चांदी का, सोने का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, और यहाँ तक के खाने की चीज़ों का, जिसे आप कहते हैं, जानते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, हलवे का बुत बना लिया करते थे, उसकी पूजा करते थे, परस्तिश करते थे। हुजूर फरमाते थे भाई ये तुम्हारे माबूद नहीं है, तुम्हें जेब नहीं देता, अल्लाह ने तुम्हें सरफराज बनाया है। देखो हैवान का सर जमीन की तरफ झुका होता है खुद ब खुद, इंसान का सर आसमान की तरफ बुलंद रहता है। तुम्हें अल्लाह ने सरफराज बनाया है,
ये तुम्हारा कमाल नहीं है कि तुम हैवान को सजदा करो या पत्थर को सजदा करो या दरख्त को सजदा करो, तुम ये बुत बना लो। तो आगे कहते थे कि ये 360 बुत मिलके हमारा कुछ नहीं भला कर सकते, तो तुम्हारा एक कैसे भला कर देगा हमारा। मुश्किलें थी ना, ये 360 से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि ये 360 को भुला दो और एक, तो वो एक कैसे संभाल लेगा पूरी कायनात, हमारी सारी ज़रूरतें वो एक कैसे पूरी कर देगा। ये एक मुश्किल थी, ये एक अहम मुश्किल थी, इसे याद रखिएगा। आप हंस रहे हैं लेकिन हंसी तो आती है, मगर ये है फिक्री मुश्किल। आज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि एक वजूद सारे काम कैसे कर सकता है। उसकी फलसफियाना और साइंसी वजहें हैं, और फिक्र इंसानी की महदूदियत है, जो मैंने कहा था कि ये फिक्र, ये अक्ल, अक्ल इंसानी, ये प्योर रीज़न, अक्ल इंसानी यहाँ इस खाकनाए दहर में आकर खाक आलूद हो चुकी है। तो इस अक्ल की भी आसानी से समझ में नहीं आता, इसीलिए अक्ल से भी कुछ आगे सफर करना पड़ेगा। जुमला शायराना जरूर है मगर महज शायरी नहीं है, बड़ी हकीकत की बात कह रहा हूं। देखो, जुनून के दो रुतबे हैं। एक जुनून वो है जो वाकयान इंसानी जहन के खलल का नाम है, मरज का नाम है। मैं इस जुनून की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे बड़े शुआरा जुनून का तस्करा करते हैं, वो इस अक्ल नाकिस से आगे बढ़ जाने का नाम जुनून है। कि अगर कोई चीज अक्ल दर्क नहीं कर पा रही है, तो हम उससे आगे भी तो सफर करें। अब ये जाहिर है नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ा मसला है कि अक्ल से आगे क्या है। अर्ज करूंगा, बीच में गुफ्तगू छोड़ नहीं दूंगा, इंशाल्लाह गुफ्तगू अर्ज करूंगा, मुकम्मल करूंगा कि अक्ल के आगे, हमारी अक्ल के आगे, अक्ल बशरी, ये खाक आलूद अक्ल, ये इस दुनिया में आने के बाद जो अक्ल पराकंदा हो गई है, कुंद हो गई है, इस खुद, जैसे हम चश्मा लगाते हैं ना, क्यों? मजबूरी है, सेहत ख़राब हो गई। सेहत क्यों ख़राब हुई? भाई इस दुनिया में माहौल ऐसा है कि मुख्तलिफ असरात होते हैं, उससे कुछ ना कुछ ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी अक्ल की आँखों पर भी कुछ पर्दे पड़ जाते हैं। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि ये इंसान जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे, बार बार फरमा रहे थे कि देखो ये बुत तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। तो पहले तो ये कहते थे कि इतने बुत मिलकर कुछ नहीं कर सकते, एक खुदा कैसे कर लेगा आपका। दूसरे फिर जब आए तो पूछने के लिए आए, उनसुब लना रब्बक, यानी आप जिस रब का तज़किरा कर रहे हैं, आप जिस अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं, आप जिस माबूद का तज़किरा कर रहे हैं, इसका नसबनामा तो बताइए, किसका बेटा है, किसका बाप है, किस खानदान का है, किस चीज़ का बना हुआ है, चांदी का है, सोने का है, लोहे का है, कैसा खुदा है। जब ये सवाल आया, किस चीज़ का बना हुआ है और किस खानदान का है, उनसुब लना रब्बक, अपने रब का नसब बयान कीजिए। क्यों? इसलिए कि तमाम बड़े मजाहिब में या सनवियत थी, दो खुदाओं का तसव्वुर था, या तसलीस थी, आज भी ट्रिनिटी मौजूद है, और या फिर कसरत थी। तो अब ये तमाम, और वो कसरत जो थी उसमें भी मैं बार बार अर्ज कर चुका कि बिल्कुल खानदानी माहौल था, तो इसलिए सवाल होता था, उनसब नसब बयान कीजिए, आपके खुदा का हसब नसब क्या है। जब ये सवाल हुआ और उस वक्त फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम नसब पूछते हो, ये वो है ना, इसको किसी ने पैदा किया है ना इसे, इसने किसी को पैदा किया है। लम यलिद वलम यूलद, और ये समद है, यानी ये खुद कायम बिज़ात
है, सब इसके मोहताज हैं, ये किसी का मोहताज नहीं। करूं किस खूबसूरती से, किस दिलावेज तरीके से, किस दिलावेज तरीके से, किस दिल नशी पैराए में, किस फिक्र अंगेज पैराए में। देखिए, जब हम कहते हैं कि दुनिया के उलूम व फ़नून का सरचश्मा है कुरान, तो क्यों कहते हैं? कुरान किसी इल्म का मत नहीं है लिखा हुआ, मगर सवालात क्या हो रहे थे? किस चीज से बना है खुदा, किसका बेटा है तुम्हारा खुदा? इसके मानी है कि जहन उलझे हुए हैं और मुख्तलिफ मादी मसाइल से घिरे हुए हैं जहन। इस जहन को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लाने के लिए, इस जहन की तजरीद के लिए, इस नफ्स इंसानी के को आशनाए सफरे तजर्रुद बनाने के लिए एक मुख्तसर सा लेकिन ऐसा हकीमाना मतन फराहम किया है कि इंसान अब सोचने पर मजबूर हो जाए। जब आप कुछ कलाम सुनते हैं तो सोचते हैं या नहीं? खास तौर से जब आप सवाल लेके आए हो और जवाब में कोई बात कही जाए तो सोचते हैं। सवाल लेकर आने वाले आए, किस चीज से बना है तुम्हारा खुदा, किसका बेटा है तुम्हारा खुदा? जवाब दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो माबूद बरहक यकता है। यहीं ठहर के एक बात कहूं, कुरान की बलागत साफ समझेंगे आप। अहद एक लफ्ज है ना, अहद अलिफ, उस पर हमजा है, हमजा है दाल, अहद। इस सूरे में दो बार अहद आया है और दोनों जगह दो अलग अलग मानी में आया। आखिर में जो अहद है उसके मानी और हैं, और पहली आयत में जो अहद है उसके मानी और हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो यगाना है, यकता है, बेहमता है, वो फर्द फरीद है, वो अहद है। और आखिर में जो कहा लम यक वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वहां अहद के मानी है कोई, यानी और कोई उसका हम सर नहीं है। कोई और यकता दोनों के मानी अलग हैं या नहीं? और फरमाने आप ये जवाब दिया और दरमियान में अल्लाहु समद, ये एक लफ्ज समद बहुत अजीम लफ्ज है। ये लफ्ज समद खुदा की कसम, खुद इस सूरह मुबारक इखलास से कितने उलूम वजूद में आते हैं। उलूम, उलूम अर्ज कर रहा हूं, इल्म की जमा उलूम। इसके एक एक लफ्ज से, कुल से, हुआ से, अल्लाह से, अहद से, समद से मुस्तकिल उलूम इशारा करूंगा। ये जो चार पांच तकरीरें बाकी हैं इंशाअल्लाह इशारा करके आगे बढ़ूंगा। खुदा आपकी सलावात से मुझे सेहत और शिफा आता फरमाता है। तवज्जो बरकरार है आपकी कि उस वक्त, और उस वक्त क्या, उस वक्त से लेके आज तक, आज क्या दुनिया की, दुनिया में मंदिर नहीं वजूद रखते? मंदिरों में अभी बुत नहीं सजे हुए हैं? काबा बजाहिर बुतों से खाली है। काबा बजाहिर बुतों से खाली है, मगर काबे के अतराफ में और काबे पर
मादी इक्तदार तो बुतों ही का है और वो भी पूरे आल के साथ, औलाद के साथ। कब्जा तो आज भी बुतों का है। मुसलमान की तौहीद आज भी खतरे में है। आपस में एक दूसरे को कत्ल करने के लिए मुसलमान कलमे तौहीद का सहारा लेता है और वैसे खुद मुशरिकों का सजदा किया करता है, नजराने चढ़ाए जाते हैं। अब जाहिर है मैं कोई सियासी रुख नहीं देना चाहता अपनी तकरीर को, सियासत मेरा मैदान नहीं है, लेकिन जहां सियासत आके जिंदगी को मजरूह कर दे वहां चीख जरूर निकल जाती है, फरियाद जरूर निकल जाती है। जो मुसलमानों के साथ फरेबकारी हो रही है और जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, जो कुछ आज दुनिया में सियासत में हो रहा है, जो कुछ उस सरजमीन पर हो रहा है जो हिजाज की सरजमीन है, जो नुज़ूल कुरान की सरजमीन है, जहाँ काबा है, जहाँ हरम है, जहाँ हरम नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिर्फ यही नहीं कि वहीं हो रहा है बल्कि यानी अब बाकी क्या रह गया है। खबरें तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, आप हजरात मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। मुल्क हिजाज के अंदर और फिर मुल्क हिजाज के बाहर यमन में क्या कुछ हो रहा है, अहसा और कतीफ़ में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। इस्लाम के नाम पर मुसलमान क्या कर रहे हैं और मुसलमानों के नाम पर इस्लाम दुश्मन अनासिर क्या कर रहे हैं, सब आपके सामने है। तो बुतों से तो आज भी ज़मीन खाली नहीं है, इसलिए आज भी ये पैगाम ताज़ा है, क़ुरान आज भी ताज़ा है और क़यामत तक ताज़ा रहेगा। और ख़ुसूसियत के साथ क़ुरान मजीद का ये सूरा, सूरा इखलास आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। ये दर्द भरी बातें ज़बान पर आ गईं, दामने बयान को समेटूं और आपको उस नुक्ते पर आज वापस ले आऊं। सिलसिले गुफ्तगू बाकी आइंदा मजालिस में आगे बढ़ेगा। बात हो रही थी इंसान के दर्जे कमाल की, हर शय में एक नुक्ता कमाल होता है। पत्थर का एक नुक्ता कमाल है, दरख्त का एक नुक्ता कमाल है, हैवान का एक नुक्ता कमाल है, इंसान का नुक्ता कमाल क्या है। मैंने चंद मिसालें दी लेकिन वो भी आखिरी नुक्ता कमाल नहीं आए। तवज्जो रहे, जिसे लोग समझते हैं बड़े बड़े मोजज़ात, ये बड़े बड़े मोजज़ात नहीं थे, ये उनके लिए बहुत मामूली बातें थी। अरे संग्रेजों का उठा लेना और संग्रेजे का कलेमा पढ़ना, दरख्त का आ जाना, चांद का दो टुकड़े हो जाना, सूरज का, ये सब मामूली बातें। तंग नजरों कोर बातिनों, बहुत से लोग तो इन्हें इतनी बड़ी बात समझते हैं कि नामुमकिन समझते हैं और उसके बाद उसका इनकार कर देते हैं। मैं कहता हूं ना इनकार करने की जरूरत है, ना बड़ी बात समझने की जरूरत है, ये मामूली बातें हैं अहलुल्लाह के लिए। ये मामूली बातें हैं, ये इंसान के कमालात में जरूर है लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये नहीं है। बस चूंकि वक्त आज गुजर गया, तबीयत मेरी मुंतशिर थी, मैंने जुमले भी मुंतशिर कहे, लेकिन यकीन है कि ये जुमले आपके लिए कारामद होंगे और तकरीर के हर फकरे से एक बहस इंशाअल्लाह आपके जहनों में जारी रहेगी। इसलिए बस समेट के एक बात कह दूं, जमा करके एक बात कह दूं यहां पर तमाम मतालिब को, कि इंसान पत्थर को तराश सकता है और उसे जो सूरत चाहे दे सकता है, यह इंसान के कमालात में से है। इंसान दरख्त की तस्खीर कर सकता है, इंसान जमीन ता आसमान तमाम चीजों की तस्खीर कर सकता है, यह इंसान के कमालात हैं, कमालात हैं। जमा में अर्ज कर रहा हूं,
लेकिन सबसे बड़ा कमाल क्या है, तमाम कायनात को अपना अपने लिए तस्खीर करने के बाद खुद उस हकीकत का मुसख़र हो जाए जिसने इंसान को इंसान बनाया है। इंसान का कमाल यह है कि वो जहां चाहे ठोकर मारे तो चश्मा फूट पड़े, मगर अगर मालिक की मर्जी है कि प्यासे रहो तो प्यासा रहे। ये बड़ा कमाल है। इंसान मोजिज़नुमा इंसान, इंसान जो मोजिज़ा दिखा सकता है, इंसान जो तस्खीर कर चुका है कायनात को। इंसान अगर पत्थर को इशारा करे तो करीब आ जाए, दरख्त को इशारा करे तो करीब आ जाए, इंसान अगर इशारा कर दे तो दुश्मन के हाथ में शमशीर खुद दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाए, मगर खुदा की मर्जी हो तो शमशीर के नीचे सर झुका। ये सबसे बड़ा नुक्ता कमाल है। हाँ, हर फर्द के लिए ये बात समझना मुश्किल है, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। जवानों, अजीजों, दोस्तों, तालिब इल्मों, मगरबी दुनिया में आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, यहाँ का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप मुल्हिदीन को पढ़ रहे हैं, मगर साथ साथ अगर हकीकत तक पहुँचना है तो हुसैन का दरवाज़ा ज़रूर याद रखना, हुसैन की मजलिसों को याद रखना। हुसैन तक पहुंच जाओगे तो अली तक पहुंच जाओगे, अली तक पहुंच जाओगे तो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह तक पहुंच जाओगे, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह तक पहुंच जाओगे तो फिर अल्लाह तक पहुंच जाओगे, फिर तुम अपने उस कमाल तक पहुंच जाओगे जिसके आगे कोई कमाल नहीं है। अगर तुम्हें अपने सफरे कमाल को मुकम्मल करना है, और ये शौक होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए ना कि हम अपने नुक्ते कमाल तक पहुंचे। और नुक्ते कमाल तक पहुंचना क्या है? खुदा तक पहुंचना है। विसाल हक, दीदार हक, लिकाए हक। ये ना समझो कि ये सिर्फ अंबिया और अइमा का मर्तबा है। करबला आओ, देखो जिनके अंदर ये ज़ौक पैदा हो जाए, जिनका शुऊर बेदार हो जाए, जिनकी फ़िक्र बेदार हो जाए, वो नौजवान और बच्चे खुदा की राह में जान देने के लिए कैसा तड़पते हैं। जान बचाने के लिए नहीं, जान देने के लिए। जान बचाने के लिए नहीं, जान देने के लिए। आज 5 मुहर्रम है, अब इसके बाद लगातार कई ऐसी शहादतों का तज़किरा होगा जो गैर मामूली शहादतें हैं, गैर मामूली, जहां माओं के सामने बच्चों ने जान दी है। मामूली बात नहीं। ख़वातीन भी सुन रही हैं मजलिस, खुदा आपकी गोद हमेशा भरी रखे, किसी की मांग ना उजड़े, किसी की गोदी खाली ना हो, खुदा हर घर में हंसते खेलते बच्चे आबाद रखे, खुदा आपको अता करे नस्ल, औलाद, ज़ुर्रियत। मगर मैं दुआ दे रहा हूँ, मगर इस दुआ के साथ खुद आप भी ये दुआ कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा, खुदा जो नेमत दे उसको अल्लाह की अमानत समझ के परवान चढ़ाइए, मगर ज़िंदगी के हर मरहले में बच्चों की तरबियत भी ऐसी कीजिएगा कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे हमेशा सर तस्लीम खम किए रहे, खुदा आशना रहे, अल्लाह से वाकिफ रहे। बस आपका ये काम है, अल्लाह से वाकिफ रहे। खुदा फरामोश ना हो, खुदा ना शनास ना हो,
और ये सब दर्स जिस रुख से चाहिए दर्सगाह करबला में मिल जाएगा। शीरखार बच्चे से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर कड़ियल जवान तक, कड़ियल जवान से लेकर 32 बरस के शजाअ बहादुर फतेह तक, और फिर उसके आगे उम्र की आखिरी मंजिलों में, चाहे वो 70 बरस का हो या 80 बरस का हो, चाहे वो हबीब इब्ने मज़ाहिर हो, चाहे वो अनस हो, चाहे वो मुस्लिम इब्ने औसजा हो, सब में एक जज्बा है। उम्रें अलग हैं, उम्र के एतबार से हर एक का ज़ौक अलग अलग हो सकता है, मगर एक ज़ौक सब में मुश्तरक है, खुदा की राह में जान हाजिर है। बस अब चंद जुमले अर्ज कर सकूंगा, वक्त नहीं रह गया, वक्त तमाम हुआ चाहता है बल्कि तमाम हो चुका है। आज 5वीं मजलिस है। करबला में यूं तो शहादतें बहुत हुई, लेकिन मैं अभी आपके सामने अर्ज कर रहा था कि कुछ शहादतें ऐसे हैं जहां माओं के सामने जवान बच्चों ने, बेटों ने जान दी है। अल्लामा ताहिर समावी ने अपनी किताब में 9 माओं का तज़किरा किया है। 9 माएँ बतौर ख़ास ऐसी हैं जो खैमे के दरवाजे से देख रही थी और मैदान में उनके बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। और इनमें सब के सब बनी हाशिम में से भी नहीं है। वहाब और उम्मे वहाब के वाकये से लेकर और खुद हुसैन के शीरखार बच्चे असगर और रबाब, कितने बच्चे हैं जो माँ की निगाहों के सामने ज़बह हो गए, खुदा की राह में शहीद हो गए। और इनका जज्बा क्या था, आपका सुना हुआ वाक़या है, मुमकिन है कल की मजलिस में फिर दोहराऊं इसे। जज्बा क्या था बच्चों का, नौजवानों का? कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जो अभी बालिग नहीं हुआ था, बालिग नहीं हुआ था, लम यबलुग अल हुलम, अभी बालिग नहीं हुआ था। शब आशूर जब इमाम हुसैन ने आने वाले दिन के वाक़यात बयान किए कि देखो कल जंग होगी, कल अल्लाह की राह में जाने निसार करनी है, तो उसके बाद तकरीर जब आका की ख़त्म हुई तो ये नौजवान उठा, अम्मू जान ये बताइए क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं? क्या जज्बा है, क्या जज्बा है। सिन और साल को देखते हुए, क्योंकि अभी बालिग नहीं हुआ है बच्चा, 12-13 बरस का या 13 और 14 बरस का सिन है, पूछा बेटे मौत तुम्हें कैसी मालूम होती है? अहला मिन अल असल, शहद से ज्यादा शीरी। इस जज्बे से जवानों ने जाने दी। बस अब ताकत मेरी आज बिल्कुल खत्म हो गई, वक्त भी खत्म हो गया, इसलिए 2 जुमले अर्ज करूं। बतौर ख़ास हमारी रिवायत के मुताबिक आज जिन शुहदा का तस्करा होता है वो भी गैर मामूली शुहदा हैं, वो बीबी ज़ैनब के बच्चे। अजरकुम अल्लाह। अच्छा खुदा की कसम, खुदा की कसम दे के मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अजीजों, जवानों, बुजुर्गों, बुजुर्गों ये बताओ, मैंने बस एक ही जुमला कहा, छोटा सा जुमला, कि आज बीबी ज़ैनब के बच्चों की शहादत बयान हो, दिल में क्या कसक पैदा हो गई, कैसी तड़प पैदा हो गई, कैसे आवाजें बुलंद हो गई, कैसे आवाजें बुलंद हो गई। आपको एक मोहब्बत है, आप आज शहादत सुन के तड़पते हैं, भला बताइए माँ ने आंखों से देखा कैसे हो?
अजरकुम अलल्लाह किसमें ताकत है, किसमें सकत है कि तमाम जुज़ियात को बयान कर सके, तमाम मनाजिर को बयान कर सके तफसील के साथ। मैं यहाँ पर ठहर कर दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। बिरादर मुअज़्ज़म जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयदुल क़द्र रज़वी साहब, खुदा इनको सेहत अता फरमाए, इनका साया बरकरार रखे। इसलिए कि इसके बाद जो मैं रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ वो ख़ास इनके तसलसल से है। गालिबन गुज़श्ता साल भी मैंने ये हवाला दिया था। अजीब रिवायत है, अजीब रिवायत है। नजफ़ अशरफ में आयतुल्लाह अल-उज़्मा खुई के अरशद तलामिज़ा में से थे अल्लामा सैयद मेहदी सुईज अल-ख़तीब, और वो बिरादर मुअज़्ज़म के उस्ताद थे और अजीम मुसन्निफ़ थे, अजीम मुसन्निफ़ थे। नसर में, नज़्म में सैकड़ों तसनीफ़ात हैं उनकी, और तमाम उलूम में तसनीफ़ात हैं। लेकिन ख़तीब भी थे, उनके उनके सिलसिले सनद और उनके सिलसिले रिवायत से बिरादर मुअज़्ज़म रिवायत करते हैं। और मैं इस वाक़े को अर्ज़ करता हूँ मिंबर पर अक्सर, ख़ास शहादत औनु मोहम्मद के ताल्लुक से। कुछ शहादतें ऐसी हैं कि जिनके ताल्लुक से आका हुसैन ने ख़ास ख़ास अंदाज इख्तियार किया है, जनाब अब्बास के लिए एक ख़ास अंदाज इख्तियार किया, हज़रत अली अकबर के लिए एक ख़ास अंदाज इख्तियार किया, हज़रत कासिम के लिए एक ख़ास अंदाज इख्तियार किया, औनु मोहम्मद के लिए भी एक ख़ास अंदाज इख्तियार किया। बेनज़ीर, बेसाबिका, अजीब अंदाज है। बीबी ज़ैनब ने तो पूरी रात शबे आशूर अपने बच्चों को खूब सजाया था, संवारा था। ये हकीकत है, शायरी नहीं, ये हकीकत है, रिवायतों में तस्करा है। बीबी ज़ैनब दोनों बच्चों को बिठाकर और उनके सरों में जुल्फों में कंघियां करती है, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाती है, अमामा सर पे बांध के सजी हुई सूरतों के साथ नजर भर के देखती है, और उसके बाद कहती है बेटा कल तुम्हें शहीद होना है, कल अल्लाह की राह में जान देना है, कल आका हुसैन पर कुर्बान होना है। बच्चों को हौसला दे रही है। कहीं सुना है कि माएं बच्चों को मरने के लिए जज्बा बेदार कर रही हैं? मगर ये करबला, ये दर्सगाह है करबला। जनाब बीबी ज़ैनब ने शब भर बच्चों को तलकीन की, नसीहत की, खूब हौसला बढ़ाया, खूब हिम्मत दिलाई, और सुबह आशूर सजा संवार के भाई के पास भेज दिया। एक एक शहीद जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, असहाब शहीद हो रहे हैं। जब असहाब का सिलसिला ख़त्म हो गया, अहले बैत का सिलसिला शुरू हुआ, एक ख़ास मंजिल आई जहाँ अब बीबी से रहा नहीं गया, फिर बच्चों के पास आई, बेटो कब तक तुम यहाँ खड़े रहोगे, क्या मुझे मेरी मादरे गिरामी फातिमा के सामने शर्मिंदा करोगे? दोनों बच्चों को खुद तलवार ला के दी, लो बेटा ये शमशीर, जाओ मामू से इजाजत लो और जंग के लिए जाओ। औनु मोहम्मद आए, आका हुसैन ने बच्चों को सीने से लगाया, खूब गिरिया किया। आका की रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई और उसके बाद कहा बेटा खुदा हाफिज, इजाजत दी, बच्चे गए। कहने को बच्चे हैं, नौजवान हैं, नौजवान हैं। खूब जंग की, एक एक बच्चे ने खूब जंग की, दादे शजाअत दी। लेकिन कब तक दादे शजाअत देते? भूख, प्यास, सुबह से सदमे, और ये ललक कि हमें बिलाखर जान देनी है खुदा की राह में। जिहाद करते करते एक मंजिल वो आई कि दुश्मन ने घेरा डाल के दोनों बच्चों को हर तरफ से निशाना बनाना शुरू किया, और जब ये बच्चे घोड़े से जमीन पर आए
तो इन बच्चों ने बड़ी एहतियात से कहा, मामू आखिरी सलाम, आका आखिरी सलाम। आका हुसैन तशरीफ ले गए, मैदान से औन का लाशा उठा कर लाए, मोहम्मद का लाशा उठा कर लाए, खैमगाह में लाए। और खैमगाह में सुबह से ये अंदाज था कि बनी हाशिम में से जब किसी का लाशा आता था खैमगाह में, तो सबसे आगे ज़ैनब बढ़ के इस्तकबाल करती थी। क्या हौसला था ज़ैनब, क्या हौसला था ज़ैनब, क्या हौसला था बीबी ज़ैनब। लेकिन जब औनो मोहम्मद आए हैं, ये भी हौसले की बात है, बीबी हर लाशे का इस्तकबाल करती थी, सर खोल के मातम करती थी, जिस बीबी का बच्चा होता था उसे पुरसा देती थी, उसे दिलासा देती थी, उसे संभालती थी, उसके बदले खुद गिरिया करती थी। ये थी ज़ैनब, जब अपने बच्चे आए नजर नहीं आई। आका हुसैन ने पूछा, बहन कहाँ है, ज़ैनब कहाँ है? मालूम हुआ ज़ैनब एक गोशे में सजदे शुक्र कर रही, परवरदिगार तेरा शुक्र, मेरी कुर्बानियां कबूल हो गई। देखो नुक्ते कमाल, माए देखे नुक्ते कमाल, इंसान देखे नुक्ते कमाल, नजराना कबूल बारगाह अहदियत हो गया, सजदे शुक्र, गोया सफर मुकम्मल हो गया। आका हुसैन ने दोनों बच्चों को लेटाया। अब वो खास रिवायत जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, ये अंदाज किसी के लिए नहीं इख्तियार किया, किसी के लिए नहीं इख्तियार किया। इधर औन को लेटाया, इधर मोहम्मद को लेटाया, और फिज़ा से कहा, बहन ज़ैनब को बुला कर तो लाओ। और खुद दोनों बच्चों के दरमियान लेट गए, और अजब अंदाज से कभी इधर मुड़ते थे, इस बच्चे को प्यार करते थे, उसके रुखसार पे रुखसार रखते थे, कभी इधर मुड़ते थे, इस बच्चे को प्यार करते थे, इसके रुखसार पे रुखसार रखते थे, और कहते थे, मुबारक हो दादा के हाथों से जामे शहादत नोश कर, दादा के हाथों से जामे कौसर नोश कर लिया तुमने, मुबारक हो, बस अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारे पीछे ये भी, ये बूढ़ा बा, ये बूढ़ा मामू, ये मुजाहिद भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ।